शस्तानो भिर्वासे महिये वायतां जनायो चकामें उसारतो अंति देवा यतराहं नश्चकरा जरसं कलुनाम उतरासो यत्रापेतारो श्री किशन जी शर्मा जो अध्यक्ष सना के गौर ब्राह्मण है, श्री नितिन गौरी जी, सभी मंच पर पधार चुके हैं। रत्न प्रभम तीव्रम अनादि रूपम त्रिगुणात्मक ईश्वर के तेज को स्वयं धारण करने के भाव से मैं आग्रह करती हूँ हमारे अतिथिगण से कि वो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अभिनंदन के अनेक तरीके हैं और उनमें से एक है दीप प्रज्वलन। जो भी इलेक्ट्रिशियन यहाँ है कृपया आगे के स्टेज के पंखे और स्कूलर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। इलेक्ट्रिशियन भरत जी ज्योतिषाचार्य, आयोजक हमारे आचार्य ताराचंद जी शास्त्री जी, उज्जैन के व्यासाचार्य कपूर है, प्रज्वलित हो जाएगा आज इसका लाइट नहीं लगेगा। आम चंद्र एक विशेष सूचना आगंतुक अतिथियों की कुछ वाहन है जो रास्ते में गलत पंडित ताराचंद जी शास्त्री जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, स्वागत। विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर मदन जी व्यास जयपुर का भी स्वागत करने के लिए एक बार पुनः आग्रह करूंगी आचार्य पंडित ताराशंकर जी शास्त्री को। ताराचंद जी शास्त्री गलत किसका हुआ है, माफ कीजिएगा, लिखा हुआ था इसलिए
पूजा की थाली में हमने आरती उतारी। सतरंगे सपनों के प्रतीक पुष्प गुच्छों और माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि अवधेशाचार्य जी महाराज का स्वागत किया गया, महामंडलेश्वर मदन जी व्यास साहब का स्वागत किया गया, युवराज राघवेंद्राचार्य जी महाराज गलतापीठ आपका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, संत महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज सहारनपुर आपका अभिनंदन किया गया, महामंडलेश्वर सुरेंद्र सिंह जी बुलंदशहर आपका अभिनंदन, महामंडलेश्वर ज्योतिषाचार्य भरतलाल जी शास्त्री कोटा आपका अभिनंदन किया गया, मंचासीन श्री शुकाचार्य पीठाधिपति डॉक्टर रमेश चंद्राचार्य जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आपका अभिनंदन किया गया आयोजन समिति की ओर से। अब स्वागत आयोजन समिति की ओर से पंडित सुरेश जी गौड़, आचार्य पंडित ओपी जी शास्त्री, प्रहलाद जी गौतम, राज जी शर्मा, आनंद जी मेहता, पंडित हेमराज जी शास्त्री, शिवराज जी, नितेश जी शर्मा, सुरेंद्र जी शर्मा पत्रकार, आप सभी आयोजन समिति सदस्यों की ओर से सभी माननीय अतिथि महानुभाव का जो मंचासीन है आपको पुष्पमाला स्मृति चिन्ह भगवान गणपति के सुंदर चित्र के द्वारा आपका इस मंच पर भगवान गणपति के इस विलक्षण धरती पर पुण्य धरती पर आपका अभिनंदन समस्त सवाई माधोपुर क्षेत्र एवं आयोजन समिति की ओर से पधारे हुए मंचासीन सभी विशिष्टतम अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और सामने बैठे हुए सभी विप्रजनों का भी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हृदयाभिनंदन। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री किशन जी शर्मा, नितिन गोटी जी, बहुत ही आत्मीयता के साथ हृदय के साथ अभिनंदन किया जा रहा है मंचासीन विशिष्ट अतिथि महानुभाव का जो पूरे देश भर से हमारे सवाई माधोपुर की धरती पर अपने इस ज्ञान के आलोक को प्रकाशित करने के लिए सभी एवं समस्त सहयोगियों के द्वारा कोटा से पधारे हैं आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित भरतलाल जी शास्त्री आपका अभिनंदन, आप सभी से आग्रह तालियां बजाकर कर्तव्य ध्वनि के साथ जीवंतता प्रदान करें, जुड़ाव प्रदान करें इन विभूतियों के स्वागत और अभिनंदन में। वेद यजुर्वेद के पारंगत है, यज्ञवत्यादि बड़े विधि विधान से संपन्न करवाते हैं आचार्य पंडित कल्याणराम जी शास्त्री, आप भी आए आपका स्वागत है। में किसी की आंख की मुस्कान का अनमोल सा मोती छिपा कर ला रही है यह लजीली सांवली सी दोपहर, इतना सुंदर मंच जिनके बैठने से ही दिप दिपा उठा है। मैं एक बार पुनः इस मंच का भी नमन करना चाहूंगी और ताराचंद जी शास्त्री कहता है उनके लिए ये पंक्तियां बिल्कुल करें। पंडित संत कमल किशोर जी महाराज वो भी पधारे हैं, उनका मंच पर स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण करें। संत सुरेंद्र सिंह, पंडित मनोज जी व्यास विदिशा वो भी पधारे, मंच पर उनका स्वागत है। आनंद सिंह जी मेहता मंच पर पधारे, उनका स्वागत है। बजरंग लाल जी शर्मा वो भी पधारे, उनका मंच पर स्थान ग्रहण करें। विद्वान लोग बहुत निकालते
और आम जनता और मूर्ति का अनुसरण करती है वो विवर्जन पंचांगकर्ता भी यहाँ मंच पर विभोषित है। यहाँ पर निमित से पधारे हुए प्रख्यात पंचांगकर्ता पंडित भागीरथ जी जोशी पधारिए, आपका स्वागत है। भागीरथ जी जोशी का हमारे पंडित परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित ताराकंद जी शास्त्री जी, आचार्य सुरेश जी गौ, राष्ट्रीय सलाहकार राजीव शर्मा द्वारा स्वागत है। सम्मान पत्र लेकर के उनका स्वागत। डॉक्टर कोनिका जी, डॉक्टर सुमन माहेश्वरी, ललिता शर्मा, ज्योति मतलब ईश्वर की ज्योति, ज्योतिष का अर्थ होता है ईश की ज्योति। जो जो ज्योतिष बनते हैं इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं, वो सबके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। परमात्मा की जो बातें हैं, विधि के लेख हैं, उसको बताना ये काम ज्योतिष का है। और इसलिए उसको वेद वेदांत ये सब शास्त्रों और उसके नाम से उसको जोड़ा हुआ है। आज मैं यहाँ पे जो भी ताराचंद शास्त्री जी साहब और जो भी आप इनकी सब टीम है, उन सबको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि सबको इकट्ठा करना, ज्योतिष को बुलाना, इतना मान देना, ये आपने बहुत ही बड़ा ज्योतिष विषय के ऊपर ये बहुत बड़ा काम किया है। पर मैं आपसे एक और उम्मीद रखूंगी और आप सबको मैं एक और इसमें एक और बात बताना चाहूंगी कि जो जो सनातन धर्म के पंचांग के जो जो विवाद हैं कि भाई दो जन्माष्टमी आए या दो अग्यारस आए और ये सब, वो गणित के जरिए और इसी के ऊपर काम करके ज्योतिष पंचांग कर्ताओं को बुला के उन सबसे राय लेके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही चाहिए। और आप अगले आपके आगे जो भी परिषद करें उसमें इस मुद्दे को आप जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि सनातन धर्म जो करोड़ों सालों से आ रहा है, ग्रह करोड़ों सालों से घूम रहे, सूर्य चंद्र मार्गी ही है, वो कभी भी बकरी नहीं है। जो ज्योतिष है वो ये जानते हैं, उनका प्रत्येक नक्षत्र में फिक्स नक्षत्र में पूर्णिमा होती है, उसी नक्षत्र में अमावस होती है। जैसे कि चैत्र महीना होगा तो चित्रा नक्षत्र में ही पूनम होगी, फागुन महीना होगा तो फाल्गुन नक्षत्र में ही पूर्णिमा होगी। तो ये अगर नियत है, ये फिक्स है, तो फिर बाकी की तिथि भी नियत होनी ही चाहिए। तो सनातन धर्म के गणित के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये पंचांग और हमारे जो दो दो त्योहार है ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो सकता है। और मेरी आपसे अब यही उम्मीद है कि आप इस विषय के ऊपर भी काम करें। धन्यवाद। मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा, मेघाधीश्वर जी ने 76 साल की मुंडली देते हुए आपको ये बताया कि उनके भ्रमांश में 5 राजयोग थे, 9 शुक्र थे, लेकिन और सत्य को जाने के लिए नवांश के नवांश में जाने की जरूरत है। अगर आप नवांश के नवांश में जाएंगे तो आप इतना सत्य पाएंगे कि उस सत्य को नकारना मुश्किल होगा। धन्यवाद। मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, जो अपने आप में सूर्य के तेजस प्रकट से हैं, जिनकी हर कार्यक्रम में उपस्थिति अपने आप में
एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर के रूप में मानी जाती है। हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान गणपति की धरती सवाई माधोपुर में अपने प्रशासन का भार अपने कंधे पर रखे हुए हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर आदरणीय सूरत सिंह जी नेगी साहब आपका अभिनंदन समस्त आयोजन समिति की ओर से, आचार्य पंडित ताराचंद जी शास्त्री एवं समस्त सहयोगियों द्वारा आपका परम श्रद्धेय दंतापीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे पंडित ताराचंद जी शास्त्री का अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें। आचार्य पंडित ताराचंद जी शास्त्री को अभिनंदन करेंगे। दलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज आपका आशीर्वाद पूरी आयोजन समिति को, माँ कामाक्षा ज्योतिष संस्थान सवाई माधोपुर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य पंडित ताराचंद जी शास्त्री आपको स्मृति चिन्ह माल्यार्पण कर आपका अभिनंदन किया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय दलता पीठाधीश्वर अवधेश आचार्य जी महाराज द्वारा आप सभी से आग्रह एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें पंडित ताराचंद जी शास्त्री। अभिलाषा के व्योम तले अधिकारों की चाह लिए, प्रतीक्षाओं की शाम ढले, दूर धरा से गगन मिले। स्वागत सम्मान करेंगे महामंडलेश्वर युवराज युवराज राघवेंद्राचार्य जी महाराज दलता पीठ। आप स्वागत सम्मान करेंगे पंडित सुरेश जी गौर साहब का कर्तव्य ध्वनि के साथ आप सभी अभिनंदन करें। कृपया हर्षद ध्वनि करते रहे, ये सभागार आपकी हर्षद ध्वनि से गूंजता रहे। जयपुर श्रीमान मदन जी व्यास आप स्वागत करेंगे पंडित ओपी जी शास्त्री संस्थापक महासचिव साहब का। आकांक्षा के सुने मन में अनुभव के एकाकी पथ पर आशा की मोहक फूल खिले, अनुभूति के नन्हे पांव से आओ हम कहीं दूर चले। इस पल से ऐसा लगा मानो धरती का आदर खिलाया, भू का यौवन अंतरिक्ष का हृदय लुभाया। इस अंचल में चिर अनाद से अंतरंग मानव का नाता मानो साक्षात हो उठा। जैसे सूरज तपता आसमान में धरती के भीतर दहकता है, ऐसा अमूल्य पल आज हमने साक्षात्कार किया। सम्मान की कड़ी में मैं सतऋषि संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य इनका बड़ा योगदान है और इंदौर से पधार करके हमारे कार्यक्रम को सुशोभित किया है आनंद सिंह मेहता जी। पंचांग के बड़े प्रवर्तक हैं, इनकी गणित बहुत सरल और सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। पंचांग निर्माण करता है, पधारे हैं, उनका स्वागत है। पंडित मनोज जी व्यास पंचांग करता वो भी पधारे हैं, उनका स्वागत है। मनोज जी व्यास विदिशा से उनका स्वागत है। वेद यजुर्वेद के पारंगत है, यज्ञ बड़े विधि विधान से संपन्न करवाते हैं आचार्य पंडित कल्याण जी शास्त्री। आप भी आए, आपका स्वागत है। शापान आत्मपरायण
जिसने औरंगजेब को हमेशा नचाया,
अपने शौर्य के लिए हमेशा जाना जाता है। एक भूषण कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है एक बूंदी में भी एक छत्र साल हुआ, एक हाड़ा बूंदी घड़ी मरद परेवा बाद सालत नौरंग देव को ये दोनों छत्र साल लिखा है। तो वो औरंगजेब को जो ठगाने वाले छत्रसाल महेवा के बुंदेला राजा थे, मैंने उनकी कुंडली देखी, कोई महान दरिद्री की जैसी कुंडली होती है ऐसी कुंडली थी। तो मुझे भी बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि इसके कुंडली में एक भी योग ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा सक्षम राजयोग देता, किंतु उनकी नौ पांच कुंडली में पांच राजयोग और उस पांच राज्यों के और बड़े वरिष्ठ राज्यों के तो उसका प्रभाव था। तो कई बार हम लोग क्या है बहुत जल्दबाजी में और वस्तुतः में अगर ये कहूं कि ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है, उसका जो अहंकार है ज्ञान का वो सबसे बड़ा अंधकार। तो कई बार हम अपने आप को ज्ञानी जान करके तत्काल कोई ना कोई फल कहने के लिए आतुर हो जाते हैं और ऐसे जैसे कोई ब्रह्म बात के हो हम बोल देते जाओ ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। इस पर बहुत गंभीरता की जरूरत है, विद्वान को बहुत सरल विनम्र और सरस होना चाहिए। हमारे यहां तो कहा ही है विद्या ददाति विनय, अगर उसमें विनय नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं। इसलिए अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का गुण यदि परमात्मा ने दिया है तो उसका प्रभाव यही होना चाहिए कि अपने अंदर विनम्रता आए। भगवान ने गीता जी में एक जगह कहा है आसुरी वृत्तियों के लिए दर्पो दर्पो भी मानुष्य क्रोध मनुष्य देव च अज्ञान चावी जातर से पार्थ संपद मासुरी। छह आसुरी संपदाएं हैं दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोर वचन और अज्ञान। तो इसलिए हमारे अंदर वचनों की विनम्रता भी रहनी चाहिए, बोली में कभी भी किसी तरह का अहंकार का लक्षण नहीं होना चाहिए। मैं क्योंकि ये ऐसे यद्य एक विद्वानों की सभा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इस बारे में भी विवेचना की जरूरत है। मैं तो आपको सिर्फ एक तरह से ध्यान दिला रहा हूं यात्रा है।
कैसे मजबूत रहे, कैसे हमारी व्यवस्था पूरे विश्व में दिखाई दे। हमारे महान व्यक्तियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव में लाने की क्षमता है और लिया है, लेकिन उसके बाद सिर्फ अपने तक ही उसको सीमित रखा। हमारी सनातन व्यवस्था को, हमारे सनातन धर्म को सुस्थापित रखने के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं किया। ये एक ऐसी विधा है ज्योतिष जो बहुत जल्दी किसी को अपने प्रभाव में ले सकती है। इसको दूसरे अर्थ में जो हमारे यहाँ पुराने लोग कहते थे भाई कोई चमत्कार है क्या, तो एक चमत्कारी रूप में स्थापित करने वाली व्यवस्था है ये ज्योतिष। और इसलिए वो लोग ज्यादा अच्छे से इसका जो है ध्यान रख सकते हैं, कैसे हमारी इस व्यवस्था के चलते हमारी सनातन की जो परंपरा है, सनातन की जो हमारी शिक्षा है वो कैसे स्थापित होती है। आशीर्वचन आपका उद्बोधन हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ, और निश्चित रूप से आपके उद्बोधन में आपने जो बातें कही वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है, हमें निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। और जितना लोगों का हम दुख दूर कर सके, देवत्व विकसित होता है जब हम किसी का दुख दूर करते हैं, और दानवत्व विकसित होता है जब हम किसी को दुख प्रदान करते हैं या उसका दुख दूर करने में सहयोग नहीं करते। आचार्य श्री के उद्बोधन से निश्चित रूप से हमें देवत्व विकसित करने की प्रेरणा मिली है। बहुत बहुत आभार आपका आचार्य श्री। और अब इसी बीच हमारे बीच पधारे हैं मनोज जी पाराश्वर, युवा कार्यकर्ता हैं। मैं आपको आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारे। अद्भुत कर देती है, ऐसा था उद्बोधन आज के मुख्य अतिथि जी का। अब उद्बोधन की इस कड़ी में गलता पीता ईश्वर श्री अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में उनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं जयपुर के सौरभ राघवेंद्राचार्य जी महाराज से कहूँगा कि वो संक्षिप्त में गलता पीठ और गलता पीठ महाराज का परिचय दे रहे। जय जय सीताराम। भूतगणानां भूतगणाधिसेवितं कविभक्तजनं भूतगणं चारुभक्तं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पावनं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे पूज्य गुरुदेव आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। एक बार गुरुदेव के लिए जोर से करतल ध्वनि की आवाज आनी चाहिए। हम
हमें लगे कि आज उत्तर भारत के मालिक हमारे बीच में मंच पे शोभा बनाए हैं। आदरणीय सुरेश जी ने कहा कि गुरुदेव का परिचय या दत्तापीठ का परिचय दीजिए, तो सुरेश जी भाई साहब हमारा भी सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव का नाम अपने मुख पे ले लेता हूँ, तो मेरा ये जीवन तो तर ही जाता, अगला जीवन भी तर जाता। पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 आचार्य पीठाधीश्वर उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ दत्तापीठ के हमारे आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव पूरे उत्तर भारत के आज के तारीख में मालिक है, और पूरे उत्तर भारत में जो भी संत परंपरा है वो इनके आज्ञा से ही चलती है। सबसे बड़ी बात ये है जब ये चात्र वसन करते हैं तो ये आचार्य माना जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इनकी चरणों की धूल इनकी कृपा पात्र शिष्य हूँ, और मेरे बराबर में बैठे हैं मेरे ही नाम राजी, क्योंकि गुरुदेव के युवराज हैं स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, हम छोटे गुरु जी बोलते हैं। तो इन्होंने गुरुदेव ने मुझे भी अपना पुत्र स्वीकार करके और मेरा नाम भी स्वामी राघवेंद्र ही निकाला। अब दोनों राघवेंद्र हैं, लव कुश पद के गुरुदेव के साथ रहते हैं, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और मंच पे सभी विराजमान है, सभी सरस्वती के महापुत्रों को प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय शिव मेहता जी, शिव मेहता जी बहुत एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, कईयों की बैंड बजा देते हैं। मतलब शिव मेहता जी की एक खासियत है कि ज्ञान का वो प्रतीक, अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है तो उसको तुरंत सुधारने वाले वास्तव में ज्योतिष में कार्य कर रहे हैं तो शिव मेहता जी। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली, ये कहां से पहुंच गए और कहां आके मंच संभाल रहे, पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। और उसके बाद सुरेश जी भाई साहब गौड़ साहब, मैं ज्यादा नहीं, इनका परिचय एक ही है कि जिसको पंचांग नहीं देखना आता वो एक बार इनका पंचांग देख लेना, आप जीवन में पंचांग देखना सीख जाओगे, क्योंकि मैं भी इनके पंचांग देख देख के ही पढ़ता हूँ, बाकी मेरे को भी कुछ नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार स्वामी जी का। अब आप पूज्य गुरुदेव जी ताराचंद जी का सम्मान करना चाहते हैं। सनातन धर्म के पोषण संरक्षण और वर्धन संवर्धन के लिए प्रयासरत माँ कामाख्या ज्योतिषोर संस्थान भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद के लिए हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, साधुवाद और धन्यवाद के साथ। मैं जिस भूमि से हूँ, लीला पुरुषोत्तम की भूमि से, तो उत्साह वर्धन के लिए अपने परम स्नेह भाजक श्री ताराचंद शास्त्री जी को उस लीला पुरुषोत्तम की छवि और उत्तरी है प्रशंसा। आचार्य जी महाराज आज इस सम्मेलन आदरणीय पंडित ताराचंद जी, हेलो, मंच का सम्मान होना चाहिए, सम्मेलन का सम्मान होना चाहिए, जो इनका नाम बोलते हैं माइक बंद हो जाता है, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है, थोड़ा सुधार कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं उत्साह वर्धन के लिए आशीर्वाद है। पूज्य आचार्य चरण यहाँ विराजमान है, अब ज्यादा तो समय नहीं है, वक्तव्य का समय होगा तो वक्तव्य दिया जाएगा, अभी मैं चाहता था कि आचार्य चरण की उपस्थिति में ही सम्मान होना चाहिए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये ताराचंद जी का सम्मान नहीं है, ये संस्कृति का सम्मान है, ज्योतिष का सम्मान है, आयोजन का सम्मान है, तालियों से गड़गड़ाहट से सम्मान कर पूजना चाहिए। और ये हमारे भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो मैं हमारे ट्रस्ट की ओर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि ऐसे आयोजन है। वयम राष्ट्रीय जागृयामि पुरोहिता, देखो राष्ट्र की जागृति करने के लिए पुरोहित ब्राह्मण का काम है, और वो इसके लिए हमारे विप्र गौरव और समाज रत्न भी है,
जोशी का हमारे पंडित परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित ताराचंदी शास्त्री जी, आचार्य सुरेश जी गौड़, राष्ट्रीय सलाहकार राजीव शर्मा द्वारा स्वागत है। सम्मान पत्र नेवी का जिसे अक्षय नेवी, उनका स्वागत है। संत कमल किशोर जी महाराज, माँ कामाख्या ज्योति शोध संस्थान के संस्थापक आचार्य पंडित ताराचंद जी शास्त्री, राष्ट्रीय पंडित परिषद के अध्यक्ष पंडित श्री सुरेश जी धोड़ द्वारा, प्रहलाद जी शास्त्री समय मानोपुर प्रभारी द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। संत कमल किशोर जी महाराज, पंचांग के बड़े प्रवर्तक हैं, इनकी गणित बहुत सरल और सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, पंचांग निर्माण करता है, पधारे हैं, उनका स्वागत है। पंडित मनोज जी व्यास पंचांग करता, वो भी पधारे हैं, उनका स्वागत है। मनोज जी व्यास विदिशा से, उनका स्वागत है। संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य इनका बड़ा योगदान है और इंदौर से पधार करके हमारे कार्यक्रम को सुशोभित किया है। आनंद सिंह मेहता जी, वेद यजुर्वेद के पारंगत है, यज्ञ बड़े विधि विधान से संपन्न करवाते हैं आचार्य पंडित कल्याण जी शास्त्री, आप भी आए, आपका स्वागत है। पंडित राकेश जी शर्मा आई जयपुर से, सभी से आते हैं, कृपया हर्ष ध्वनि कर स्वागत करें। पंडित राजेश जी शर्मा हमारे स्वाईमाथुर के प्रभारी प्रहलाद जी गौतम द्वारा सम्मानित, आचार्य ताराचंद जी शास्त्री राष्ट्रीय पंडित परिषद के उपाध्यक्ष, राजी शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे आज ज्योतिष सम्मेलन में इनका अमूल्य समय हमको मिला है, बड़े मेहनत और कर्मशील है, सदैव तत्पर रहते हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। अंजलि गिरधर, मनीषा जी शर्मा उनका हार्दिक अभिनंदन, सब कीमती समय देके आए हैं, हर कोई अपने आप में महत्वपूर्ण है। बट केके तिवारी जी समाचार जगत पानी कोई से पधारे हो तो वो भी आए, सुनीता जी भट्ट, डॉक्टर विनायक कुलहे जी विनायक कुलहे जी आए, हमारे आचार्य पंडित श्री ताराचंद जी शास्त्री द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन है। कुलहे जी हमारे कार्यक्रम में पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन।